इमाम सो so, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो इकनॉमी चल रही हैं वो किस तरह चल रही हैं सो so, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन पहला है हमारे पास डिटेक्टरशिप दूसरा है प्लानड इकोनॉमी, तीसरा है हमारे पास फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसे भी बोलते हैं हम इकोनॉमिक एकनोमि, सिस्टम मिकसड इकोनॉमी सो so, वन बाई वन डिस्कस करते हैं पहला हमारे पास है डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप इज़ अ सिस्टम इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द डिक्टेटर विच मे बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड पीपल ये इकोनॉमिक सिस्टम है जिसने हम uh, जो जो इसको रन करता है जो डायरेक्ट करता है वो एक डिक्टेटर होता है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है एक जो है ना सिलेक्टेड पीपल सिलेक्टेड सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकती हैं जो जो ना एक इकोनॉमी को रन करते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं किस तरह उनको जो सही तरीके से इस्तेमाल करके ऑप्टीमल उप, डिसीजन मेकिंग मेकिंग करके हम उसे सही तरीके से यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिसफेक्शन हासिल करें सो ये इकोनॉमीज़ जो है ना ये सिस्टम अडोप्ट करती हैं काफ़ी इकोनॉमिक ये सिस्टम अडोप्ट करती हैं सो सेकंड देखते हैं सेकंड हमारे पास है प्लानेट इकोनॉमी प्लानेट इकोनॉमी इज अ अड ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच द के इकोनॉमिक फंक्शन ये भी एक planet, जो है ना प्लान जो ऑलरेडी प्लान होती है आ, ये जो है ना रन करती है फॉर होम वट हाउ टू प्रोड्यूस आर प्रिंसिपली डिटरमाइंड डिटरमाई गवर्नमेंट डायरेक्टिव इन अ प्लानट इकोनॉमी अ प्लानिट कमेटी यूजली गवर्नमेंट ऑफ सम ग्रुप ऑफ डिटरमाइन द इकोमीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसज दे डिसाइड अबाउट द ऑप्टीमल मेक्स ऑफ रिसोर्सिस इन द इकोनामी दे ऑल्सो डिसाइड हाउ टू हाउ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीड्स टू बी एम्प्लॉय टू गेट ऑप्टीमल मेक्स सो ये प्लानिट इकोनॉमी यूजअली गवर्नमेंट रन करती है कि फॉर हम टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड वैन टू प्रोड्यूस फॉर हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस सो ये डिसीजन दिसी, गवर्नमेंट लेती है कि किस तरह जो, हमारे जो है हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं किस तरह उनको यूटिलाइज़ युटि, करना है क्या प्रोड्यूस करना है किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है सो so, ये डिसीजन जो मेकिंग होती है ये इकोनॉमिक लेवल पर होती है जो प्लानट इकोनॉमी रन करती है जो गोवर्मेंट इनको रन करती है नेक्स्ट देखें फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अ फ्री मार्किट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच द क्वेश्चन अबाउट वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर प्रीमरली बाय द डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्शन इन द इन द मार्केट तो फ्री मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है यहाँ पर भी यही जो है ना डिसीजन मेकिंग होती है वट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस सो इसमें यही जो है ना बताया जाता है कि किस तरह प्रोड्यूस करना है किसके लिए प्रोड्यूस करना है कैसे प्रोड्यूस करना है ये डिपेंड किस पर करता है ये मार्केट मार्केट पर जो है ना डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है कि जो हमारी जो चीज़ें सेल होती हैं गुड्स एंड सर्विस जो सेल होती हैं तो उनको ज़्यादा इकोनॉमी क्या करती है प्रोड्यूस करती है हमारा कंज्यूमर ज़्यादा ज़्यादा जो चीज़ें कंज्यूम करता है एक इंडिविजुअल जो इकोनॉमी का इंडिविजुअल होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करता है तो मार्केट कैपिटलिस्ट uh, इकोनॉमी उस चीज़ को प्रोड्यूस करती है नेक्स्ट देखते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये भी एक सिस्टम है जो ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ करती हैं। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक वैल्यूज़ एंड इस्लामिक रूल्स ये जो सिस्टम है इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन पर जो ना एक इकनोमी एक, एक, को रन करते हैं फॉर एग्जांपल ज़क़़त अशोर ए टी सी इस्लाम फॉरबिट्स बोथ टेकिंग एंड गिविंग ऑफ इंटरेस्ट इस्लाम जो है ना मना करता है कि आपको इंटरेस्ट देने और लेने पर सख्त सख्ती से मना करता है मॉडर्न इकनॉमिक्स टू हेव स्लोली बिगेन टू रियलाइज द फिटिलिटी ऑफ इंटरेस्ट तो उन्होंने जो स्ट्रिक्टली इकनॉमिक्स जो है ना उन पर बात करते हैं कि सो काफ़ी इकनॉमिक जो है ना ये सिस्टम अडोप्ट करती हैं इकनॉमिक इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम नेक्स्ट देखते हैं A mixed economy. मिक्सड इकोनॉमी ये जो मिक्सड है वो ज़्यादा पाकिस्तान में जो है ना एडोप की जाती है इन पाकिस्तान देर इज़ अ मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान में जो सिस्टम uh, है वो कौन सा है मिक्सड uh, इकोनॉमी का सिस्टम है रिसोस आर गवर्नड बाय बहुत गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स जो रिसोर्स होती हैं जो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं जो भी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं कंट्री में वो uh, एक इंडिविजुअल के भी हैंड ओवर होते हैं एक uh, जो है ना और काफ़ी गवर्नमेंट के भी है, जो न, है ना हैंड ओवर होते हैं तो ये मिक्सड इकोनॉमी इस तरह कहलाती है सम आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड सम आर इन द हैंड ऑफ पब्लिक कुछ गवर्नमेंट के जो रिसोर्स होते हैं हवाले होते हैं कुछ पब्लिक uh, के हवाले होते हैं तो इसे हम मिक्सड uh, इकोनॉमी कहते हैं ऑप्टीमल मिक्स ऑफ रिसोर्स इज डिसाइडेड बाय प्राइस मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड डिमांड एंड सप्लाई पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इकोनॉमी दस कॉन्स ऑफ द कररेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लान इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट फ्री मार्केट पीपल आर फ्री टू मेक देयर डिसीजन दे कैन मेक देयर प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल्स डिफेंस सो इसमें जो है ना ये मिक्सड इकोनॉमी uh, इसलिए कहलाती है कि इसमें uh, प, uh, जो है ना प्लानिट इकोनॉमी भी होती है फ्री मार्केट भी होती है इसमें uh, जो पीपल डिसीजन मेकिंग करते हैं वो uh, जो है ना फ्री हो अपनी डिसीजनस ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं और गवर्नमेंट डिफेंस को रन करती है सो so, ये था हमारा आज का टॉपिक के इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह जो है ना इकोनॉमिक चलती हैं रन करती हैं उनके भी सिस्टम्स होते हैं जिसके ज़रिए जो है ना इकोनॉमिक रन करती है थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस अगर कोई आपको टॉपिक्स जो पसंद हैं जो आप कह रहे हैं कि इन पर वीडियो बनाएं तो लाजमी आप कमेंट में बताएं इन मैं वीडियोज़ बनाऊँगा थैंक यू सो so मच्ल्हाफेज